तेजस्वी यादव क्यों पथ निर्माण मंत्री रहेंगे, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कोई मुसलमान क्यों रहेगा, उल्टा क्यों नहीं कर देते पथ निर्माण विभाग आप किसी अल्पसंख्यक आदमी को दे दीजिए। नीतीश कुमार काहे गृह मंत्री रहेंगे, गृह मंत्री आप किसी अल्पसंख्यक को बनाइए, किसी पिछड़े को बनाइए। तो अगर हकमारी हुई, क्योंकि वो कह रहे हैं तो हकमारी हुई तो तुरंत भाई तुरंत लागू करो। इसके लिए तो सबसे पहले इस्तीफा इसलिए दो कि तुम 35 साल से हक मार रहे थे। जो शर्ट के ऊपर गंजी पहन ले वो यहाँ का नेता है, जो बदमाशी करे, लूट मार करे, भ्रष्टाचार करे, चोरी करे, वो बड़ा नेता है। और आप कह रहे हैं कि वो बड़े लोग नहीं दिख रहे, तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि वो बड़े लोग नहीं दिख रहे। जिसको जो बयान देना है दे, मैंने जो बात कही उसको रोज रिपीट कर रहा हूँ, आज फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। हमने ये नहीं कहा है कि तेजस्वी यादव अच्छे हैं, खराब हैं, ज्ञानी हैं, मूर्ख हैं। हमने ये कहा कि उनकी पहचान बस इतनी है कि वो लालू यादव के लड़के हैं, क्योंकि उन्होंने नौवीं फेल है। अगर नहीं है तो बता दें कैमरे पर कि नहीं है भाई, हम PhD किए हुए हैं। मैंने क्रिकेट की बात कही भाई, मैं पत्रकारों ने कहा कि उनकी जब बात की तो मैंने कहा भाई उनकी पहचान क्या है, उनकी पहचान तो बस इतनी ही है कि वो लालू यादव के लड़के हैं। इसके अलावा पढ़ाई के क्षेत्र में, खेल कूद के क्षेत्र में, सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में अगर उन्होंने कोई पराक्रम किया है तो वो बता दें, हम लोग भी उसको सीख लेंगे, उसको नोट कर लेंगे। वो तो खुद उछल रहे हैं वो लोग कि हम उनको अज्ञानी बता रहे। हम कहाँ बता रहे, हम तो खाली जो फैक्ट है बता रहे। मान लीजिए कि हमारे बाबूजी डॉक्टर थे तो हम नहीं रोज कह रहे कि हमारे बाबूजी डॉक्टर थे, हमारे दादा बैलगाड़ी चलाते, हम तो रोज कहते हैं। तो अगर आपके बाबूजी मुख्यमंत्री हैं तो आपको बताया जाएगा भाई आपके मुख्यमंत्री बाबूजी थे, इसीलिए आप हम बैठे हुए हैं कुर्सी पर। इसमें बुरा मानने की क्या बात है? अगर हम गलत कुछ उनके लिए कह रहे हैं जो नहीं है सत्य, तो उसका खंडन कर दें, बता दें कि भाई आप बिल्कुल झूठ फैला रहे हैं समाज में। हम तो PhD हमने किया हुआ है, हमने इस यूनिवर्सिटी से ये डिग्री ली है। आप जितने पत्रकार यहाँ बैठे हैं, आपको भी समाज का अनुभव है। आपके अपने बच्चे अगर जो उन्होंने 9th पास नहीं किया है, उसको आप यहाँ बिहार में कोई नौकरी दिला सकते हैं? वो इसलिए मिल रही कि वो लालू यादव के लड़के हैं, यही तो फैक्ट हम आपको बता रहे हैं। इसमें इतना घबराने की क्या जरूरत है? और जहां तक परिवार की बात है, किसी ने कहा कि भाई तो खाली लालू जी के परिवार के बारे में बोल रहे, हम सबके बारे में, हम तो सम्राट चौधरी के बारे में भी रोज बोलते हैं। सम्राट चौधरी की क्या हैसियत है भाई? तो शकुनी चौधरी के लड़के हैं, इसलिए भाजपा ने भी उनको बनाया है। शकुनी चौधरी कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें भी विधायक मंत्री थे। लालू जी का दौर आया तो उसमें विधायक मंत्री हो गए, फिर नीतीश जी का दौर आया तो उसमें विधायक मंत्री हो गए, मांझी जी मुख्यमंत्री बने तो उसमें भाग के भी विधायक मंत्री बन गए। आज अभी उनको भाजपा का दौर दिख रहा है तो भाजपा में, भाजपा को भी और कोई नहीं मिला है, उनको एक बड़े नेता के बेटे को ही जगह दिया है उन्होंने भी। प्रखंड में हर लोकसभा में कमोवेश यही स्थिति है, 2-4-5 परिवारों ने कब्जा किया हुआ है, घूम फिर कर वो या उनके बच्चे ही किसी न किसी दल से चुनाव लड़ते हैं और मजबूरी में यहाँ की जनता को उन्हीं को वोट देना पड़ता है, चाहे वो लालू यादव के लड़के तेजस्वी यादव हों कि शकुनी चौधरी के लड़के सम्राट चौधरी हों। कोई ऐसा नहीं है जो अपने बल पर आया। नहीं, हम अपनी बात इंडिया गठबंधन को लेकर, बिहार में महागठबंधन को लेकर जो पिछले साल भर से कह रहे हैं वो आपको बता देते हैं। जब नीतीश कुमार ने बिहार में महागठबंधन बनाया, पत्रकारों ने आकर पूछा सर इसका देश पर असर क्या होगा, मैंने उस समय कहा देश पर इसका असर 0 होगा, ये राज्य स्पेसिफिक घटना है। नीतीश कुमार और RJD तेजस्वी यादव लालू यादव की अभी उतनी ताकत नहीं है कि वो देश की राजनीति को प्रभावित कर सके। बिहार में वो बड़े चेहरा हो सकते हैं। दूसरा बात, जब इंडिया अलायंस बना तब मैंने कहा कि नेताओं के एक साथ मिलने से, चाय पीने से, प्रेस वार्ता करने से देशव्यापी माहौल नहीं बन सकता है। ये ठीक बात है, अगर सब दल एक साथ आते हुए दिखेंगे, नेता साथ में आते हुए दिखेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ मजबूत चीज बन रहा है। और इंडिया अलायंस ने किया क्या अभी तक? पिछले 6 महीनों में उन्होंने अपना नाम UPA से बदलकर इंडिया कर लिया, और वो नाम अगर अच्छा किया तो उसका फायदा भी मिला, इतनी चर्चा हो रही है देश भर में भाई इंडिया अलायंस इंडिया अलायंस। लेकिन नाम बदलने के बाद उन्होंने क्या किया? अभी तक ना संयोजक बनाया, ना चेहरा बनाया, ना कोई नैरेटिव बनाया, एक बैठक एक रैली तक नहीं कर पाए पिछले। और हम कहाँ बोल रहे हैं, अब तो नीतीश कुमार खुद बोल रहे हैं कि कांग्रेस सीरियस नहीं है, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं कि भैया ये लोग तो ये काम नहीं चलने वाला है। अभी आपने किसी का नाम लिया, तो ये हम नहीं बता रहे हैं, तो आपको ये बताना चाहिए कि भाई प्रशांत जी जो आप इंडिया अलायंस के विषय में पहले कह रहे थे वो होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उस अलायंस को बनाने वाले जो लोग हैं उन्होंने ना कोई समझ दिखाई, ना कुछ उनकी सोच है, ना कोई प्रयास है। एक साथ बैठ गए, चाय पानी पी लिया, प्रेस में वार्ता कर लिया, उसे क्या हो जाएगा?
और जो लोग ये बताते हैं कि दलों के एक साथ आने से चुनाव जीता जा सकता है, उनका ये भ्रम है। कुछ लोग आपको उदाहरण देगा कि देखिए इंदिरा जी को सब दल मिलकर 77 में हरा दिया। भाई आप मूर्ख हैं,